मजलिस नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ाए याई मदद कलाम साईं शौकत अली कादरी कलंदरी, किताब पैगामाते इश्क। अस्सलामु अलैकुम, तस्लीम व आदाब। हालत की बारगाह में ये नहीं देखा जाएगा तू कौन है। देखो, हालत की बारगाह में ये नहीं देखा जाएगा तू कौन है, तेरा किस नस्ल कौम या मजहब से ताल्लुक है। सिर्फ अमाल और किरदार पर फैसला होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में साफ फरमाया है, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर, ना अरबी को अजमी पर, ना अजमी को अरबी पर, कुछ फोकियत हासिल नहीं। अगर कुछ है तो तकवे की बना पर। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमतु जहरा से फरमाया, आपने ये नहीं समझना कि मैं नबी की बेटी हूँ। क्या बात है, आपने ये नहीं समझना कि मैं नबी की बेटी हूँ, बस अल्लाह की अतात और अबादत में मशगूल रहना। किसी शायर ने खूब कहा, उठे अमलाते होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। मेला क्या है, कब शुरू हुआ और क्यों करवाया जाता है, आज का टॉपिक यही है मेन। मेला क्या है, कब शुरू हुआ और क्यों करवाया जाता है। दीदार वसाल अरवाह का मिलाप, बिला तफरी मजहब मिल्लत कौम और नस्ल एक जगह मिलकर बैठना, दुई से पाक होना, एक हो जाना। कोई ऐसी गुफ्तगू हरकत या काम ना करना जिससे दूसरों की दिल आजारी हो या तफरका पड़े। वहदत का दरस देना और सुनना। मेले पर पाबंदी नहीं होती, देखो मेले पर पाबंदी नहीं होती, इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेले फकीरों के लगते हैं, मेले फकीरों के लगते हैं। फकीर का ताल्लुक कुल से है, जुज से नहीं। देखो फकीर का ताल्लुक कुल से है, जुज से नहीं। मेला खुदा के नूर जहूर की अकासी है, इसमें वो सब कुछ होता है जो कुरान और जहान में मौजूद है। इसमें आला अदना नेको बद गोरा काला, मुसलमान गैर मुस्लिम, काले वाले नाचने वाले, जाहद आबद, सब कुछ मिलता है। इस नफरतों कदूरतों तफरकाबाजी मजहबी जंगों के दौर में सिर्फ फकीरों के आस्ताने हैं, मेलों की तकरीबात हैं जिनमें लोग सब मिलकर बैठ सकते हैं। इस वक्त यही वो जगह और दरसगाह है जिसमें वहदत का दर्स मिलता है। सब लोग खुश और मोहब्बत से मिलजुल कर बैठे नजर आते हैं। वहद एक यही मुकाम है, वहद एक यही मुकाम है। यहाँ आने और बैठने वाले एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें और प्रोपोगंडा नहीं करते, सब एक दूसरे को देखकर राजी होते हैं और अपनी अपनी मौज में मस्त होते हैं। अलावा अजी तमाम जहान में हर कोई अपनी अपनी तरफ खींच रहा है, हर इदारा अपने अपने ग्रोह की तालीम दे रहा है, सब अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हैं, दूसरों को झूठा कह रहे हैं। इस बात को जरा गौर से तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहला मेला खालक ने उस वक्त करवाया जब तमाम अरवाह को खलका, तमाम अरवाह को इकट्ठा किया और वादा मिसाक लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक रूह के सामने अवैस व बलाल और दूसरे आशिकीन को खड़ा किया। अली अलैहि सलाम के सामने सुलेमान फारसी, मीसम तिमार कंबर और दूसरे तालिबीन को, इसी तरह तमाम आशिकों को उनके माशूकों के सामने, जैसे मिसाल के तौर पर मजनू को लैला, रांझे को हीर और महिवाल, इज्जत बेग को सोनी के सामने और चंद अरवा के सामने,
कोई सूरत जाहिर ना की। फिर आवाज दी अलफ तो बेरब्बेकुम, सबको सामने खड़ी सूरत की, आंखों से अपने नूर की तजल्ली दिखाई, और चंद लोगों को जिन पर पहले सूरत जाहिर ना की थी उन पर डायरेक्ट अपने नूर अनवार की तजल्ली डाली। नूर इलाही को देखकर सब ने यक जबान बोल कर कहा, कालू बला। उस वक़्त जिसने जिस सूरत में नूर इलाही देखा, उस वक़्त जिसने जिस सूरत में नूरे इलाही देखा, उस पर फरेफ्ता हो गया, उससे इश्क करने लगा, जिसके सामने कोई सूरत ना थी, कि जिसके सामने कोई सूरत ना थी, वो अजली नूर की तजल्ली में जज़ब हो गए और वही अव्वलीन और मजजूब कहलाए। वस्सलाम या अली मदर, खुदा हाफिज़।